हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन जस्ट 8 रोज़ का डिजाइन है और 8 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 का मल्टीपल फंदे लेना होगा और +3 +2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 6 + 3 + 2। इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन में डाल सकते हो। इसमें मैंने 6 का मल्टीपल करके 18 + 3 + 2 एज स्टिच कर लिया है, टोटल 23 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब धागा आगे की तरफ कीजिए इस तरह से। अब तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है इस तरह से। पहले तो ये तीन फंदों को एक फंदा बनाइए इस तरह से इकट्ठा करके। एक बार उल्टे की तरफ से, फिर एक बार सीधे की तरफ से करना है। धागा पीछे लाना है, फिर इसी होल में डालना है नीडल। फिर से सीधे की तरफ से इस तरह से तीन का एक करना है। फिर धागा आगे की तरफ कीजिए, फिर एक बार उल्टी की तरफ से। ये तीन बार करना है। इस तरह से आपको तीन फंदा निकालना है, 1 2 3। फिर धागा पीछे, अब तीन फंदा सीधा, 1 2 3। अब यही रिपीट करना है आपको। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है, फिर तीन फंदा सीधा, 1 2 3। आपको ये 6 फंदा रिपीट करना है बार बार। फिर से रिपीट करना है। धागा आगे की तरफ कीजिए। अब तीन फंदों में से फिर तीन फंदा निकालना है। पहले तो एक इकट्ठा करिए इस तरह से, उल्टे की तरफ से तीन का एक कीजिए इस तरह से। फिर धागा पीछे पीछे लाना है, फिर सीधे की तरफ से तीन का एक करना है। दो फंदा हो गया। फिर धागा आगे, फिर उल्टे की तरफ से। तीन फंदों में से इस तरह से फिर तीन फंदा निकालना है, 1 2 3। फिर धागा पीछे, अब तीन फंदा सीधा, 1 2 3। फिर से रिपीट करना है। धागा आगे, फिर तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है। पहले तो इस तरह से इकट्ठा करिए, फिर उल्टी की तरफ से इस तरह से फंदा निकालिए। फिर धागा पीछे लाना है, फिर इसी होल में डालना है नीडल। फिर सीधे की तरफ से धागे को नहीं छोड़ना है। फिर धागा आगे, फिर उल्टी की तरफ से, तीन बार तीन फंदा इस तरह से निकालना है। देखिए, 1 2 3। फिर धागा पीछे है, तीन फंदा सीधा, 1 2 3। यहाँ तक आपका तीन डिजाइन खत्म हुआ है, 1 2 3। फिर लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा। इसको धागा आगे और तीन फंदा को
एक तीन फंदा में से फिर तीन फंदा निकालना है इस तरह से, उल्टी की तरफ से एक फंदा इस तरह से निकालिए, फिर धागा पीछे लाना है, फिर इसी होल में डालना है नीडल, सीधे की तरफ से इस तरह से निकालना है फंदे को, फिर धागा आगे की तरफ ले आइए और फिर उल्टी की तरफ से तीन फंदों में से इस तरह से तीन फंदा निकालना है। लास्ट में आपको एक फंदा सीधा, फोर्थ थ्रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फिफ्थ रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर दिया है। सेवेंथ रो को आप डिजाइन को चेंज करना होगा, इस डिजाइन को आप यहाँ बनाना होगा, इस डिजाइन को यहाँ बनाना होगा, इस डिजाइन को यहाँ बनाना होगा। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, तीन फंदा सीधा। अब इस डिजाइन को ऊपर आपको तीन फंदा सीधा आएगा, एक दो तीन, फिर धागा आगे। अब इस तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है। एक बार उल्टी की तरफ से एक फंदा निकालिए इस तरह से इकट्ठा करके, तीन का एक करिए फिर उल्टी की तरफ से इस तरह से, फिर धागा को पीछे लाना है, फिर इसी होल में डालना है नीडल, फिर एक बार सीधे की तरफ से फंदा निकालिए इस तरह से, फिर धागा आगे, फिर एक बार उल्टी की तरफ से, इस तरह से आपको तीन फंदा निकालना है तीन फंदों में से, फिर धागा पीछे, अब तीन फंदा फिर सीधा। अब यही रिपीट करना है आपको, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, और फिर तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है, एक दो तीन। आपको ये छः फंदा रिपीट करते जाना है पूरी सिलाई में। फिर से रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे, फिर अब तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है। एक बार उल्टी की तरफ से निकालिए तीन फंदों में से, एक उल्टी की तरफ से इस तीन का एक करिए उल्टी की तरफ से, फिर धागा पीछे लाना है, फिर सीधे की तरफ से इस तरह से, फिर धागा आगे, फिर उल्टी की तरफ से, इस तरह से आपको तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है। धागा पीछे, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे, फिर तीन फंदों में से तीन फंदा निकालना है इस तरह से, उल्टी की तरफ से एक फंदा इस तरह से निकालिए, फिर धागा पीछे, अब सीधे की तरफ से, फिर धागा आगे, फिर उल्टी की तरफ से।
और इस तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ तक आपको तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा धागा पीछे, लास्ट में चार फंदा बचेगा, इसको तीन फंदा सीधा एक दो तीन एज स्टिच उल्टा। ये ट्रो पूरी सलाह आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन एट रो का डिजाइन है, वही एट रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। वन टू एट रो आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है। आप रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।